रामपुरा क्षेत्र के भरारा गांव में फॉरेस्ट विभाग की बड़ी कार्रवाई। बड़ी तादाद में फॉरेस्ट विभाग पहुंचा ग्राम भदाना में। ग्राम भदाना के लगभग 85 परिवारों के पास अवैध भूमि होने की बात बताकर फॉरेस्ट विभाग आज रामपुरा क्षेत्र के गांव भदाना में पहुंचा, जहां पर जेसीबी के माध्यम से उनके बाड़े को व कृषि भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही फॉरेस्ट विभाग के द्वारा की गई। फॉरेस्ट विभाग की कार्यवाही के वक्त कांग्रेस के मनासा विधानसभा क्षेत्र के नेता मंगेश संगई पहुंचे कार्यवाही स्थल पर। पूरा जो फॉरेस्ट विभाग है भदाना में उपस्थित है, यहाँ पर ये कक्ष क्रमण 404 है। इस कक्ष में अतिक्रमण है जिसे हम हटाने आए थे, और अतिक्रमण हटाने से पहले हमने पूरी कार्रवाई की थी, लोगों से संपर्क किया था और किसका है क्या है पूरा मैपिंग की गई थी जी। सबसे मन टू मन बात की गई स्टाफ द्वारा। उसके बाद में जब हमें आज वन सीमा सुरक्षा सप्ताह मनाने के लिए भेजा गया, तो हमने यहाँ पर हमारी सीमा सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई की गई। हाँ, तो लोगों का यहाँ का जो स्थानीय लोग है उनका कहना है कि वो विगत 50 वर्षों से लगभग यहाँ पर रह रहे हैं, इस भूमि का उपयोग कर रहे हैं। आप अगर इस भूमि को पूरा अच्छे से देखेंगे तो आपको 2-3 खेत ही मिलेंगे जिसमें कृषि हो रही होगी। बाकी खेतों में तो सिर्फ ये लोग बाड़ा बना के अपने मवेशी या जो दूसरी चीज़ें रख रहे हैं, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं आपको दिखेगा। यहाँ पर बाड़े बना रखे हैं, वो भी पत्थर जैसे इकट्ठे करके। तो क्या माना जाए कि ये ताज़ा तो बाड़े है नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉरेस्ट विभाग की लापरवाही भी है कि कितने वर्षों से यहाँ पर बाड़े बने हुए हैं। यहाँ प्रयास होते रहे हैं, हम लोग हटाने के लिए हमारा चलता रहता है, और इस वर्ष विशेष सीमा सप्ताह मनाया जा रहा है, उसमें ये कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, नाम और पद सर? मैं आर परमार, SDO मनासा। ग्राम भदाना में फॉरेस्ट विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर मंगेश संगई, चंद्रशेखर पालीवाल, एडवोकेट कैलाश राठौर ने घटना स्थल पर पहुंचकर फॉरेस्ट विभाग के SDO से की 1-to-1 चर्चा व अतिक्रमण की कार्रवाई रुकवाई। नमस्कार, मैं हूं गोपालदास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बचे हुए नीमच जिले के पहाड़ी क्षेत्र में, जहां पर ग्राम पंचायत भदाना में आज 10 जून को एक ऐसी घटना यहां पर घटित हुई है कि यहां के जो विस्थापित लोग जो यहां पर निवासरत है, आज फॉरेस्ट विभाग द्वारा उनकी ज़मीन को अतिक्रमण युक्त बताते हुए आज उन्हें उस भूमि से बेदखल करने के लिए आज पूरा फॉरेस्ट विभाग यहां भदाना में पहुंचा था। आज इसी संदर्भ में जो पीड़ित लोग हैं जो यहां पर विगत लगभग 40 वर्षों से उस भूमि पर यहां पर कृषि भूमि से अपनी जीविका यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आज फॉरेस्ट विभाग द्वारा बेदखल किया गया है। इस संदर्भ में हम बात करें कि यहाँ मनासा विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है मंगेश संगई, वो यहाँ भदाना में आज मंदिर परिसर में पूरे ग्रामीण जन यहाँ पर आज उपस्थित है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज किस मैटर को लेकर आप यहाँ भदाना में आए। गोपाल जी, आपने अभी फॉरेस्ट वालों से भी जो यहाँ पर जो फॉरेस्ट के अधिकारी खड़े थे उनसे भी हम सब लोगों ने मिलकर एक साथ बात की है, और मामला एकदम स्पष्ट है कि ये अतिक्रमण के नाम पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जो लोग डूब से विस्थापित होकर 70 साल पहले और 40 साल पहले तक के जो लोग यहाँ पर आकर अपनी आजीविका को चला रहे हैं, जैसे तैसे उनने अपने आप को यहाँ स्थापित किया, और आज फिर यही भाजपा के शासन में एक आतंक मचा रखा है फॉरेस्ट के नाम पे कि फॉरेस्ट की ज़मीन है और इनसे खाली कराया जा रहा है। जिस ज़मीन पर इनके कुएं और ट्यूबवेल हैं, ये 40 साल से ऊपर काबिज हैं वहाँ, और एक और राजस्व और फॉरेस्ट, इन दोनों को अपना सीमांकन ही नहीं मालूम है। इनसे पूछा गया कि भाई ये राजस्व की ज़मीन है और ये राजस्व वालों ने यहाँ पर पेनल्टी की हुई है, उस बात का इनके पास कोई उत्तर नहीं है। ऐसी धांधली केवल ये न केवल भदाना में बल्कि गूगल कुआ से लेकर खेलड़ी और पठार एरिया में सब जगह ये कर रहे हैं, और इनका एकमात्र षड्यंत्र है कि ये जिस ढंग से अडानी और अंबानी को जो ज़मीन आवंटन करते हैं उसी तरह के इनके मित्रों को इन ज़मीन इनसे छुड़वा कर उन्हें
इनको विस्थापित कर उन्हें स्थापित करने की जो योजना है उसको हम सफल नहीं होने देंगे। आज हम सब लोग इन आप सब भाइयों के बीच में आ गए थे और हमने फॉरेस्ट वालों को भी कहा है कि बगैर जानकारी के आप अगर कोई भी कार्रवाई करेंगे तो इसके परिणाम आपको भुगतना होंगे और इस बात को हम कमलनाथ जी और विधानसभा तक ले जाएंगे। ये आज हम सब लोगों ने मिलकर यह तय किया है और जो जो पीड़ित लोग हुए हैं उनके नाम लेकर हम कल ही इसको आगे जा रहे हैं और इस मुद्दे को अगर ये मुद्दा प्रशासन और शासन मिलकर समाधान नहीं करता है तो इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी कांग्रेस जन इकट्ठे हैं और आम जन और यहाँ के सारे लोग हम लोग साथ में। हम बात करें कि चंद्रशेखर पालीवाल जो पूर्व में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं वही कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी रहे, हम उनसे जानना चाहेंगे कि पालीवाल जी अभी आपने जो फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी है उनसे भी आपने वन टू वन चर्चा की है तो क्या कहना है उनका? देखिए फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारियों से बात करी आदरणीय मंगेश भाई, कैलाश जी और यहाँ के सरपंच साहब और सभी वरिष्ठ लोग थे साथ में, मांगीलाल जी जो कि गांधी सागर जब बांध बना भदाना वासियों का उसमें योगदान है, उनके सीने पर गांधी सागर बांध बना, अपनी ज़मीनें बांध में देकर यहाँ आए, उनको यहाँ विस्थापित किया, बुलडोजर से ज़मीन एक जैसी करके उस ज़माने में यहाँ पे इनको स्थापित किया। आज 50 साल के बाद ये एक षड्यंत्र पूर्वक, अभी तक तो किसी को समझ में नहीं आया अचानक ये फॉरेस्ट की ज़मीन कैसे हो गई, तो हमने फॉरेस्ट के अधिकारियों से SDO फॉरेस्ट से और जो अपने SDO और उनके साथ रेंजर वगैरह थे 50-60 लोगों का मजमा लेके आए, गांव में दहशत का एक माहौल बन गया। लेकिन हम लोगों ने उनसे यही अनुरोध किया कि आप मोहरे हो, आपके ऊपर जो आदेश जारी कर रहे हैं वो केवल आम जनता के सीने पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, इस बात को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के जितने भी ग्रामीण लोग हैं, ये बगदीराम जी, इनको एक साल भर पहले नीम काटने का जो पेनल्टी करी वो राजस्व विभाग ने, दो साल पहले राजस्व तहसीलदार ने इनको जुर्माना किया, जब राजस्व विभाग जुर्माना कर रहा है तो फॉरेस्ट की ज़मीन कैसे आ गई, विचारणीय प्रश्न है। इस प्रकार कई लोगों के पास राजस्व के रसीदें हैं जो दंड जमा कर रहे हैं, अब अचानक फॉरेस्ट की ज़मीन हो गई। कुल मिला के ये केवल अभी दबाव बना के, ये चुनाव का समय आने वाला है, लोगों के ऊपर दबाव बनाना और पैसा खींचना, भोले भाले ग्रामीण लोग हैं। मंगेश भाई ने और हम सब लोगों ने आश्वासन दिया है सभी को, किसी को 25 पैसे 54 नहीं देने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग मर जाएंगे आपकी एक इंच ज़मीन नहीं जाने देंगे, ये हमारा वादा है। अभी आदरणीय कमलनाथ जी के ऑफिस में बात हुई है, कमलनाथ जी साहब दौरे पे थे तो मंगेश भाई ने यहाँ भदन आने से पहले उनके ऑफिस से बात करी, पूरा प्रकरण लेके हम कल सुबह 9 बजे यहाँ से निकल रहे हैं, सभी लोगों के नाम हमने लिखे हैं, सभी जिन जिन के नुकसान हुआ है उन सब लोगों के नाम लिखे हैं, माननीय कमलनाथ जी को अवगत कराएंगे, माननीय दिग्विजय सिंह जी को अवगत कराएंगे और इस लड़ाई को पूरी लड़ेंगे। और हम ये आश्वासन देते हैं, मुझे पूरा विश्वास है हमारे मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ जी के ऊपर, पूर्व में भी कांग्रेस के शासन में पट्टे दिए थे, बगदुबा दिए था, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जो जो जमीन, जल जंगल और जमीन जो जहाँ पर खेती कर रहा है वो उसका अधिकार है, वनाधिकार अधिनियम मनमोहन सिंह जी की सरकार में कानून बना है, जो वन पे पहला अधिकार उसका है, जो वहाँ पे रह रहा है वहाँ खेती कर रहा है, जो आज जिन लोगों के जीवन यापन की भी व्यवस्था नहीं है उन लोगों के मुँह का निवाला आप छीन रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और हम सब लोगों को ये आश्वासन देने के लिए आए हैं माननीय कमलनाथ जी की बात पर कि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं, इस लड़ाई को पूरी लड़ेंगे। भोपाल भी जाना पड़ा तो ग्रामवासियों ने सभी ने आश्वासन किया चलोगे नहीं चलोगे, सब लोग सभी लोगों ने हाँ भरी है, अगर इस लड़ाई को ऊपर तक लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे और ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। साथ ही हम बात कर रहे हैं कि जो कुकड़ेश्वर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है कैलाश राठौर की क्या माना जाए, एक तरफ तो राजस्व विभाग इनको रसीद काट रहा है वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट विभाग उसी जमीन को अपनी बता रहा है, तो क्या माना जाए कि राजस्व विभाग और फॉरेस्ट विभाग इनको गुमराह कर रहा है? गोपाल जी आपने सुना होगा कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी सुनी होगी, यहाँ अभी जो प्रशासन चल रहा है वो अंधेर नगरी और चौपट राजा है, क्योंकि एक तरफ राजस्व का मामला है तो एक तरफ वन विभाग का मामला है। अब जब इनका न तो सीमांकन हुआ न इनको नोटिस जारी किया, उसके बाद भी बिना इनको कुछ जानकारी दिए, बिना इनको कुछ विश्वास में लिए हुए हैं, लगभग 70 सालों से जो इनका कब्जा है, कम से कम 3-4 परिवारों ने तो ट्यूबवेल खनन कर रखा है, किसी ने कुआं खुदवा रखा है, 7-7 8-8 10-10 लाख रुपए इस ज़मीन पे इन लोगों ने लगा रखे हैं,
और अचानक आके उनको गिरा देना और उनका कब्जा हटाने की कार्रवाई करना, ये सरासर इन ग्रामीणों के साथ घोर अन्याय है और इस अन्याय को हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये कानूनन भी सही तरीके से इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कानूनी फॉल्ट के रूप में इस कार्य को कर रहे हैं और ये वैधानिक तरीके से की हुई कार्रवाई नहीं है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और सभी लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं और जहाँ जहाँ इनकी लड़ाई लड़ना होगी हम लड़ेंगे। कुकड़ेश्वर से उत्तर दिशा की ओर लगभग 18 किलोमीटर जो भदाना गांव है, जो पटरक क्षेत्र में यहाँ के जो लोग हैं, जो फॉरेस्ट विभाग की आज जिन्होंने अतिक्रमण युक्त जमीन बताकर यहाँ अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया करी है, पूरा फॉरेस्ट विभाग पूरे भदाने में यहाँ पर उनका हमला था, इसी संदर्भ में क्या घटनाएं घटी है, हम भदाना के जो यहाँ के वरिष्ठ ग्रामीण जन है जो पीड़ित है, हम उनसे जानना चाहेंगे। वहाँ कई मैटर है आज, आज ये मैटर है सर, वहाँ गांधी सागर से 70 बरस भी गया, वहाँ जंगल काटी बोल्डोजर काटी ने जंगल में बसाए कि क्या पीछता कि जहाँ जमीन में जंगल में वहाँ दो जमीन डांगा ना, आज की एरिया के ताको कहीं कब्जो को नहीं, तो आपनों कब्जो है जदि तो पैसे नहीं था तो पट्टा ही के चार वक्त पट्टा के माने ही उखाड़ गया, माँ के पास पैसे नहीं था खावा का नहीं था, जदि तो नहीं आई झोंपड़ा में मैं कल्याण करी ना वही गया। 17 साल थी या जमीन आपके पास थी? 50 साल भी गया सर। 50 साल? हाँ 50 साल भी। तो आपने पूछो को नहीं माना कि जो एसडीओ जो आया था, जो फॉरेस्ट विभाग का जो अधिकारी था, कि 18 साल थी आप कटे था, 40 साल थी मैं यहाँ रही था? हाँ सर, आज बोला नहीं उनको कि हम क्या गए थे, हमको सूचना क्यों दी, सूचना भी नहीं दी आज तक हम, मैं बूढ़े एरिया से गांधी सागर से बांध से काटी नहीं आना क्या, आज सब फॉरेस्ट बताते रहते फैला क्यों नहीं बताई भी क्या पट्टा बनाता था, बनाए क्या पैसे तो ही कौन पैसा भी बताते पट्टा बनाता है कि हैं, तो साहब मैं दुखी कर दिया, अचानक ही कर दिया, अचानक ही वो धावो बोले धाड़ो ना के नगर लूटे जैसे नगर लूटो आ जाना। अभी एडवोकेट कैलाश राठौर जो कुकड़ेश्वर कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष है, उन्होंने पूरी स्थिति को आपके सामने रखा है, इसी संदर्भ में आगे इनके क्या प्रयास रहेंगे, क्या गतिविधियां रहती है, शासन प्रशासन किस दिशा की ओर रुख करता है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए MP7 News। अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने MP7 News चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप MP7 News चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, देखते रहिए हमारे साथ MP7 News।